हजारों हैं मंजिलें, लाखों हैं रास्ते, रुकना नहीं तू ये है तेरे ही वास्ते। आए आंधियां या तूफान सर पे आए, चलने में तेरे बस कदम ना डगमगाए। दुनिया में बड़ी है सबसे तालीम की ये दौलत, जीतेगा हर एक जंग तू इस ही की बदौलत। कोई ऐसी एक तू मिसाल कायम कर कि जिंदगी बन जाए तेरी एक दस्तावेज, दस्तावेज। इंतजार था हमें। मेरा इंतजार? कौन हो तुम? वाह, इतना भी नहीं पहचानते? सरदार रणधीर सिंह के आदमी हैं। अरे तुम भी तो थे उसी टोली में, नायब सरदार। हाँ, लेकिन अभी नहीं पहचाने? ओ, शमशेर सिंह। हाँ, शमशेर सिंह। बार बार भेष बदलना पड़ता है। अरे पुलिस तो पुलिस, अब तो लोग भी पहचानने लगे हैं मुझे। अब शमशेर सिंह ही हमारे टोले का सरदार है। मेरा मतलब है, जब से सरदार रणधीर सिंह को पुलिस ने पकड़ा है तब से। क्या, रणधीर सिंह पकड़ा गया? इतने भोले ना बनो करवीर, हम जानते हैं तुम्ही ने रणधीर सिंह को पकड़वाया है और पुलिस को हमारे पीछे लगवाया है। अरे पुलिस सारे ठिकानों के बारे में जान गई है। देखो, तुम्हें गलती लगी, मुझे तो तुम लोगों का टोला छोड़े और आत्मसमर्पण किया अरसा हो चुका है। अब मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो अभी शहर से आ रहा हूँ। थाने के लोगों से मिलने का इनाम मिला रणधीर सिंह को पकड़वाने का, और का उम्मीद करते हो हमको पकड़वाने के लिए? देखो शमशेर सिंह, जब से मैंने हथियार डाले हैं तब से मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा, ना तुम्हारे साथ ना तुम्हारे सरदार के साथ, और फिर मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर थाने के चक्कर क्यों लगाते रहते हो? वो तो मैं दूसरे कामों से जाता रहा, क्योंकि सरदार ये बक रहा है, इसके अलावा और कोई हमारे बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दे सकता। जानता हूँ, अरे तभी तो इसको यहाँ पकड़ा है। बता मेरे साथ क्या सलूक किया जाए। पुलिस, और चलो भाग चले, इसका काम तो तमाम कर दूं। कैसी हालत है करणवीर की? गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन बचने की जरूरत। लेकिन वो होश में तो आएगा ना? ओके, थैंक यू। कौन? मेरा भागन दमयंती, और कौन जी? दमयंती जी, और तुम्हारी दमयंती जी भी पता चला आगे चली आई। अच्छा हुआ, मरने से पहले तुम्हें देख तो रहा। मरोगे क्यों जी? मैं क्या तुम्हें मरने दूंगी? जाओ बहन जी, डॉक्टर ने आपको यहाँ ज्यादा देर रुकने के लिए मना किया है। बस सिर्फ इतना बता दो, किसने किया ये सर्वनाश? कौन था वो दुष्ट? शमशेर सिंह। क्या
ये क्या कह रही है? बार बार शमशेर सिंह का नाम ले रही है, उसी नामुराद ने शायद उसके पति को मारा है। बेचारी औरत जा क्या कर पाएगी भला। ये सुना है शमशेर सिंह उसी टोले का आदमी है, बापुओं के टोले का। हाँ, जिसमें कभी दमयंती का पति भी था। कल्याणी जी आ गई। दमयंती, बहुत दुख हुआ सुनकर। इसे तो कल्याणी बहन जी इतनी भी खबर नहीं है कि इसके पास कौन बैठा है और कौन नहीं। ये तो बस अपनी ही धुन में है। धुन में? क्या हुआ इसे? कैसी धुन? आइए बहन जी, मैं आपको बताती हूँ। हमारे भारतीय संविधान ने नागरिकों को क्या क्या मूल स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, ये सब आप बहनें मुझे कल कॉपी में लिखकर दिखाएंगी। और हाँ, जो इम्तहान आप कुछ दिनों बाद देने वाली हैं, उसमें ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग बेशक जा सकते हैं। सुधा सावित्री जी, हाँ, तुम जरा इधर आ गई। जी वो दमयंती नहीं आई? बहुत कोशिश की बहन जी, पर वो तो आने को तैयार ही नहीं है। ना तो उसका दुख कम हुआ और ना ही वो उस धुन को छुड़ा पाई है कि वो शमशेर सिंह को नहीं छोड़ेगी। दमयंती इस क्लास की सबसे अच्छी विद्यार्थी है। अगर वो स्कूल आने जाने लगे और आने वाली परीक्षाओं में बैठ जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे नंबरों से वो मिडिल क्लास पास कर लेगी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कल्याणी बहन जी, पर उस बिचारी के तो मन की दशा ही दूसरी है। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो दमयंती, तुम्हारे बारे में काफी अच्छी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में तो ये भी शामिल है कि तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी, मेरा मतलब नेतृत्व के लक्षण भी काफी अच्छे खासे हैं। पढ़ाई में तो तुम होशियार हो ही, बस तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत दुखद घटना घटी है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को संभालने छोड़ूंगी। दमयंती, अपने आप को संभालो और अनुप्रिया जी जो कह रही है उसे समझने की कोशिश करो। देखो दमयंती, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें उनका पालन पोषण करना है। हमारी संस्था का काम केवल पढ़ाना लिखाना नहीं है बहनों को, उनके हित के लिए जो भी कुछ अच्छा हो सकता है हमारी संघ की स्वयं सेविकाएं बहुत खुशी से करती हैं। मिडिल के इम्तिहान सर पर हैं, तुम बस इम्तिहान की तैयारी करो और फिर उसके बाद मैं और कल्याणी बहन तुम्हें किसी अच्छे काम में लगा देंगे। लेकिन पहले तुम्हें पहले मुझे शमशेर सिंह से निपटना होगा। शमशेर सिंह से? देखो दमयंती, जिसने भी तुम्हारे खाविन का कत्ल किया है वो बहुत बड़ी सजा का हकदार तो है, लेकिन उसे सजा दिलवाना पुलिस का काम है। तुम पुलिस की मदद करो, पुलिस सही आदमी को ढूंढकर उसे जरूर सजा दिलवाएगी। पुलिस से कुछ नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं, पुलिस आखिर तनख्वाह किस बात की पाती है? दमयंती, ये फिरोजा खान है, हमारी संस्था के लीगल एड सेल, जिसका काम बहनों को कानूनी मामलों में मदद करना है। ये उसकी सदस्य है और बहुत अच्छी वकील भी। तुम इनसे मदद लो और फिर पुलिस की मदद से उस दरिंदे अपराधी को सजा दिलवाओ। यही ठीक रहेगा अनुप्रिया जी, दमयंती को तसल्ली हो जाए कि उसके पति के हत्यारे को सजा जरूर मिलेगी, तो इसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। आई फुली एग्री विद यू। तो वो तुम्हारा घर वाला था?
जिसे कोई साला गोली मारकर फरार हो गया। कोई नहीं, दरोगा जी शमशेर सिंह था जिसने मेरे पति को गोली मारी थी। शमशेर सिंह? कौन शमशेर सिंह? डाकुओं के गिरोह का आदमी जो आजकल खुद सरदार बना हुआ है अपने टोले का। अरे वाह, बड़ी जानकारी रखती हो। इतनी जानकारी तो है ही ना दरोगा जी, क्योंकि मेरे पति भी। क्या 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 बोलो, चुप क्यों हो गई? वो भी कभी इसी गिरोह में थे। क्या, डाकू था तेरा घर वाला? जी वो। अरे भाई, तो बात खत्म हुई। एक डाकू ने दूसरे डाकू को मार दिया, काम खत्म। अब शिकायत लेकर कैसे आई हो औरत? मेरे पति भी इंसान थे, अगर उनका खून हुआ तो क्या? देखो दमयंती देवी, यही नाम है ना तुम्हारा? हमारे एक अफसर ने तुम्हारे पति को घायल हालत में देखा, उस पर दया की, उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन फिर भी मर गया बेचारा। अब ऐसे वीरान और सुनसान जगह पर मारने वाले का ना तो कोई नामो निशान और ना ही पता, तो केस तो बंद करना ही था, सो कर दिया। केस बंद कर दिया बिना किसी तहकीकात के? ए, ए बीबी, जिसकी शिकायत है उससे बात कर रहा हूं मैं। अब ना जाने कितनी लावारिस लाशें रोज हमें इधर उधर मिलती हैं। अब हर किसी के लिए तो अपना पूरा डिपार्टमेंट नहीं लगा सकते ना हम। ना मेरा पति लावारिस था और ना ही ऐसी कोई बात है कि हमें मारने वाले का नाम नहीं मालूम। तो तुम्हें आकाशवाणी हुई थी कि शमशेर सिंह ने मारा है उसे, हा? क्यों डरा रहे हो मुझे ऐसी बातें कहकर? मेरे पति ने मरने से पहले खुद मुझे बताया था कि शमशेर सिंह ने उसे मारा था। कोई सबूत? सबूत कैसा जी, उन्होंने खुद कहा था। अरे भाई, हमारे अफसर को तो उसने कुछ बताया नहीं और तुम्हें बताकर वो चला गया वहां। देख बीबी, इन डाकुओं का गिरोह बड़ा खतरनाक है, हमें भी बार बार धमकी आती है, इसलिए ना तो हम खुद किसी मुसीबत में पड़ना चाहते हैं और ना ही तुम्हें किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं। भला इसी में अपने पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कर और भुला दे इस सारे किस्से को। So that you can keep the case closed and uninvestigated. अरे अरे, तुम तो बड़ी अंग्रेजी बोल रही हो देवी जी। आपकी जानकारी के लिए मैं एक वकील हूँ और इनके साथ आई हूँ ताकि आप। तो मैडम जी, पहले बता देना था ना, मैं कुछ चाय नाश्ता ठंडा वगैरह मंगवा देता। फिलहाल तो आप अपना काम कीजिए और इनकी FIR दर्ज कीजिए और अपने थानेदार साहब को बताइए कि जरा भी मुलजिम को पकड़ने में कोताही दिखाई तो ना तो इस थाने के लिए ठीक होगा और ना ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। ठीक तरह से सस्पेक्टेड व्यक्ति का नाम दर्ज कीजिए, शमशेर सिंह। हम जाते हैं। दरोगा जी, आपने वकीलनी जी की बात तो सुन ली और अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर आपने अपराधी को सजा न दिलवाई तो मैं इस थाने को आग लगा दूंगी। दमयंती बेचारी का फिरोजा के साथ थाने जाने से इतना तो जरूर फायदा हुआ होगा कि इस इमोशनल रिलीज के बाद उसमें मानसिक तौर पर कुछ तो सामान्यता आ गई होगी। यू आर राइट अनुप्रिया जी, मैं दमयंती से मिली थी, वो साइकोलॉजिकली पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। उसने क्लासेस अटेंड करना भी मान लिया है और आने वाले इम्तिहानों में भी जरूर बैठेगी। दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर पुलिस ने पूरा जोर लगाकर शमशेर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया और उसे सजा नहीं मिली तो दमयंती फिर भड़क उठेगी और गुस्से में वो कुछ भी कर सकती है। Which means कि हमारे लीगल एड सेल को भी हर लिहाज से उसे मदद देनी होगी। Of course फिरोजा, ये तुम अपने सेल के लिए चुनौती समझ लो। अगर वो मुजरिम पकड़ा जाता है और उसे सजा हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अनुप्रिया जी, इससे गाँव वालों का हमारी संस्था में विश्वास भी बढ़ेगा और हमारे और भी जितने काम है उन्हें आगे बढ़ाने में हमें पूरी मदद मिलेगी। मुझे यूं लगता है कि दमयंती इस सब में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत अच्छे दमयंती, निबंध तो तुमने वाकई बहुत अच्छा लिखा है। समाज के उद्धार के लिए नागरिक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करके
किस प्रकार तब्दीली ला सकता है ये वाकई तुमने बहुत खूबसूरती से लिखा है। थैंक यू मैडम जी। और हाँ, फिरोजा खान कह रही थी कि तुम्हारे केस को थाने वाले बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एक तरह से तो हम बहुत लकी हैं कि मकतूल की पत्नी ने खुद शमशेर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। सर, आप तो जानते ही हैं कि जब से यह गिरोह लिक्विडेट हुआ है तब से इसकी बागडोर संभालने वाले डाकुओं का या उनके सरदार का कोई पता नहीं चल रहा, और ना ही हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है। तो फिर साहब, इससे हमें शमशेर सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी। कानूनी तौर पर तो हमारे हाथ मजबूत हो ही चुके हैं। प्रताप चंद, तुम कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखा रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे, ये खतरा हम क्यों मोल लें? सुना है शमशेर सिंह बड़ा ही गुकार किस्म का आदमी है। लेकिन सर, खतरों से दो चार होना तो हमारा काम है। ये करमवीर सिंह जिसका कत्ल हुआ, ये भी इसी गिरोह में था। उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और हमारे कुछ बड़े अफसरों ने उसे हमारे ही महकमे में छोटी मोटी नौकरी देने की भी सोची थी, क्योंकि वो काफी शरीफों की जिंदगी व्यतीत करने लगा था। लेकिन बेचारे का कत्ल हो गया। सर, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि बरखुरदार अपने फर्ज को गोली मारो, अपनी जान की परवाह करो, अपने परिवार के बारे में सोचो। दयाराम कितनी अकलमंदी दिखा रहा था, वो केस रजिस्टर ही नहीं करना चाहता था। खैर कोई बात नहीं, अगर रजिस्टर कर लिया है तो इसका तरीका निकालेंगे रफा दफा करने का। तुम यंग ब्लड हो, समझते रहिए, हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। पूछो दयाराम से, अपनी किताबों में कितने केस दर्ज कर चुका है, उसमें से कितने सॉल्व हुए। खैर जाने दो, एक थानेदार के मुंह से सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक केस और सही जो सॉल्व ना होगा, समझे? क्या समझे? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते दमयंती, आओ बैठो। आपने मुझे बुलाया था मैडम जी? हाँ। किस लिए बताइए? भाई, सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। किस बात की? अरे भाई, बताने की क्या बात है, मिठाई तुम नहीं लाई ना सही, लेकिन मुबारक की हकदार तो तुम हो ही। तुमने 8वीं क्लास पास कर ली है और वो भी बहुत अच्छे नंबरों। ये सब आप ही का आशीर्वाद है मैडम। ये लो दमी, ये क्या है? तुम्हारी नौकरी का इंतजाम। इसे सरला बहन को दिखा देना और कल से काम पर चली जाना। लेकिन कहाँ पे मैडम जी? भीमपुर गांव में बच्चों का क्रेश खुल रहा है, यानी छोटे बच्चों का शिशु सदन। वहाँ तुम बच्चों की देखभाल करना, तुम्हारा मन भी बहला रहेगा और कमाई की कमाई। अरे ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तनख्वाह मिलेगी तुम्हें, हमारी ही संस्था तो इस क्रेश को खोल रही है। बड़ी मेहरबानी कल्याणी मैडम जी, लेकिन एक बात है। बोलो। आपके कहने पर मैंने पढ़ाई जारी रखी, इम्तिहान के लिए भी बैठी, लेकिन मैंने ठान रखा था जब तक मेरे पति के हत्यारे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। पहले मुझे इस बात से निपटना होगा। अरे भाई, कह दिया ना कि पुलिस शमशेर सिंह को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। हम पुलिस वालों के हाथों में बंदूक तो होती है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसे घुमाए और मुलजिम के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां डालकर सामने ले आए। हम मेहरबानी करके यहाँ से जाओ, मेरा वक्त जाया मत करो। लेकिन साहब जी, दफा हो जाए यहाँ से, मेरा वक्त जाया मत करो। ये कोई बात करने का तरीका है? जिस औरत से आपको हमदर्दी होनी चाहिए उससे आप यूं बात कर रहे हैं? तो आप ही वो वकील साहिबा है जो कि ये जानने के लिए आई है कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस क्या हो रही है। मेरे ख्याल से कानून की किसी किताब में नहीं लिखा कि पुलिस अपने सीक्रेट सबको बताती फिरे। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बस इतना कह सकता हूँ। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रही होती तो कोई तो पुलिस का आदमी इस गांव में आता जहाँ की मकतूल यानी की दमयंती का पति रहता था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं थानेदार साहब कि सब इंस्पेक्टर प्रताप चंद मेरा चचेरा भाई है। पहले तो उसने मुझे विश्वास दिलाया था कि मुलजिम शमशेर सिंह को पकड़ कर ही दम लेगा, लेकिन अब उसके रवैये में तब्दीली आ गई है। बहुत कुरेदने पर पता चला
कि आप ही नहीं चाहते कि डाकुओं के इस गिरोह से बैर रखकर कोई अपनी जान खतरे में डाले। फ्रैंकली मुझे ये भी शक है इंस्पेक्टर साहब कि आपके इन डाकुओं के गिरोह से कोई गठबंधी है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि आपके प्रोड्यूसर इस कोशिश में थे कि डाकुओं के सरदार रणधीर सिंह को गिरफ्तार करने के बाद बाकी डाकुओं को भी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जब से आपने इस थाने का चार्ज दिया है वो कार्रवाई भी ठंडी पड़ चुकी है। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो सोचा कीजिए, अब मेहरबानी करके यहाँ से जाइए। अगर आपने ढंग से बात की होती ना तो मैं आपके लिए चाय कॉफी मंगवाता। अब आपको दरवाजा ही दिखा सकता हूँ। औरत तुम भी इनके साथ जाओ। हाँ हाँ जाती हूँ, लेकिन बहुत पछताओगे तुम थानेदार। जाओ दफा जाओ। कानून का पालन ना और मेरे रेंज के लोगों की हिफाजत यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट ना कर सके, ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता मिस फिरोजा खान। हाँ दमयंती देवी जी, मुझे पूरा यकीन हो चला है कि इसी शमशेर सिंह ने आपके पति का खून किया है। वो एक खतरनाक आदमी है, उसे गिरफ्तार करना मैं अपना हर लिहाज से फर्ज समझता हूँ। लेकिन डीआईजी साहब। और हाँ कल्याणी जी, आपका शक बिल्कुल सही है कि आपका कजन प्रताप चंद किसी वजह से झिझक रहा है और अपना फर्ज निभाने में अपने आप को पता नहीं क्यों मजबूर महसूस कर रहा है। तो यानी कि आप अग्री करते हैं कि इंस्पेक्टर उदय सिंह इज आइदर टू अफ्रेड ऑफ शमशेर सिंह और हैज सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर हिम, अ काइंड ऑफ क्लाउड। नो कमेंट्स। हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उदय सिंह हमारे अच्छे अफसरों में से नहीं है। बहरहाल शमशेर सिंह के नए गैंग को लिक्विडेट करने के लिए मैं खुद एक्शन लूंगा। दमयंती जी, आपको इसमें हमें सहयोग देने की बहुत जरूरत है। दमयंती देवी जी, डीआईजी साहब ने कई थानों से ऐसे अफसरों और सिपाहियों को चुना है जो अपनी जान की परवाह ना करके शमशेर सिंह के टोले का खात्मा करेंगे और उस पर आपके पति की हत्या का मुकदमा भी चलाएंगे। मुझे आपके पास भेजा गया है ताकि मैं आपसे कुछ सहयोग मांग सकूं। कैसा सहयोग? हालांकि करमवीर सिंह आपके पति ने अपना गिरोह छोड़ दिया था और आत्मसमर्पण भी कर दिया था, लेकिन हमारी कई कोशिशों के बावजूद उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि उनके ठिकाने कहां कहां थे या कहां कहां हो सकते हैं। शायद आप। मेरे पति गिरोह में जरूर थे लेकिन मैं तो नहीं थी ना, मैं कैसे बता सकती हूँ कि। मेरा अंदाजा था कि अक्सर जैसा कि होता है हर पति अपनी पत्नी को अपने काम के बारे में सब कुछ बता देता है। हो सकता है कि बातों बातों में कभी करमवीर ने यह बताया हो कि उनके ठिकाने कहाँ कहाँ या उनके गिरोह के लोग किन ठिकानों पर। जिस बात को मेरे पति ने आपको बताना ठीक नहीं समझा उसे मैं कैसे बता सकती हूँ। आप तो पढ़ी लिखी समझ सकती हैं कि शमशेर सिंह को गिरफ्तार करना और उसके गिरोह का खात्मा करना आस पास के गाँव वालों के हित में, क्या आप नहीं चाहेंगे कि इन गांव वालों को इन बेगुनाहों को शमशेर सिंह और उसके आदमी के अत्याचारों से बचाया जा सके। प्रतापचंद कुछ गलत तो नहीं कह रहा दमयंती, तुमने खुद समाज कल्याण पर इतने अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम पुलिस की मदद करो? मदद ही करूंगी तो पूरी तरीके से करूंगी। मतलब ये आपने बहुत हिम्मत का काम किया दमयंती जी, जो आप हमें यहाँ तक ले आई। सिर्फ इसलिए साहब जी कि कोई भी काम करना हो तो उसे अधूरेपन से नहीं करना चाहिए और यही मैंने सीखा है। सही चटकाया ना मैंने। आराम से भी आराम से। जहाँ गोली दागी जहाँ दागी एक बार में ही लौट गो। क्या चाल चली सरदार बनने के चक्कर में? हो तो की रानी वो रहा उनका अड्डा। कम ऑन गाइस, रेडी फॉर द एक्शन। ओके फायर। तो लियो डीआईजी साहब, ये ना सोचना कानून हमें सजा दे सकता है क्योंकि हमारे खिलाफ
आपको एक भी सबूत नहीं मिलेगा। एक भी। अच्छा, क्या इसके पति की हत्या का सबूत भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के लिए एक बात हम आपको बता दें, करमवीर सिंह के पोस्टमार्टम के सारे कागजात हमारे आदमी आपके आदमी का साथ मिलकर गायब कर दिए रहे, और यह बात खुलेआम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप और आपका कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून तेरा कुछ ना बिगाड़ सका तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी शमशेर सिंह। मैं कानून इतना बेबस नहीं है शमशेर सिंह, मुझे डर कि हमारे थाने के कुछ गद्दार तुमसे मिले होंगे, इसीलिए मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को फोटोकॉपी करवा लिया था और उसे तस्दीक भी करवा लिया था। तुम्हारी पिस्टल भी हमने जब्त कर ली है जिससे तुमने गोली चलाई थी। उसके लिए सबूत ही काफी है शमशेर सिंह, जिससे तुम्हारे गले में फांसी का फंदा लग सकता है। और फिर दमयंती देवी की रिपोर्ट की कोई कम अहमियत नहीं है जिसमें उनके पति ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया। डीआईजी साहब, आप सरकारी वकील तो करेंगे ही, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारी संस्था का लीगल एड सेल आपकी पूरी मदद करेगा। शमशेर सिंह जैसे दरिंदे कानून की जर से निकल जाए ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। तुम्हारे पति के हत्यारे को बड़े से बड़ा दंड मिले, इसके लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे।